बच्चों आज अपन पढ़ेंगे गिरन्यार अभिकरण द्वारा एल्कोहल का निर्माण। इसके लिए कार्बनिक यौगिक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे RMGX, इसे बोलते हैं गिरन्यार अभिकरण। इसकी अभिक्रिया कार्बनिक यौगिक सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ रिवेलेंसी पाई जाती है, तो इस समूह को कार्बोनिल समूह के नाम से जाना जाता है। इसकी अभिक्रिया गिरन्यार अभिकरण से कराते हैं तो सबसे पहले सी और ओ के बीच में विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाता है। इस वजह से अधिक विद्युतनी परमाणु कम विद्युतनी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे ओ की विद्युत ऋणता सी की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, अतः ये बल टूटेगा सी से ओ की ओर। ओ के ऊपर आएगा आंशिक ऋणावेश, सी के ऊपर आएगा आंशिक धन आवेश। इसी प्रकार आरएमजीएक्स में हमेशा बल टूटता है आर और एमजी के बीच में। एमजी धातु है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, धन आवेश आएगा और एल्केन समूह पे आएगा ऋणावेश। हमेशा रिएक्शन के अंदर बहुवन जब सिंगल में कन्वर्ट होता है तो उसे रिएक्शन के बाद में लिखिए, तो इस बहुवन वाले को सिंगल में कन्वर्ट करके आप लिख दोगे। ओ के ऊपर क्या आया, ऋणावेश आया। इसके ऊपर आरएमएस का कौन सा पार्ट जाएगा, धनावेश, वो कौन आपका एम जी एक्स। कार्बन के ऊपर धनावेश है, आरएमएस का एल्किल समूह ऋण आवेश इसके साथ जुड़कर बंध का निर्माण कर लेगा और एक अस्थायी यौगिक का निर्माण होता है। इसका पुनः क्या किया जाता है, जल अपघटन किया जाता है। जल अपघटन करेंगे तो OH पे नेगेटिव, एच के ऊपर आएगा पॉजिटिव। जल अपघटन हमेशा O और Mg के बीच में कराया जाएगा, अतः Mg पे धनावेश आएगा, O पर ऋणावेश। ये सिंगल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा यहाँ से। तो ये शेष बचा समूह क्या हो गया, आर, आर के साथ में सी, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी है, नीचे ओ, ओ पर क्या है माइनस, जल का क्या आएगा प्लस, ये हो जाएगा OH। प्लस में ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, MgX, Mg के ऊपर चार्ज आपका प्लस, प्लस के ऊपर आया OH माइनस, तो ये बन गया आपका एक साइड प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ से ये OH इसका क्रियात्मक समूह है, ये एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि गिरन्यार अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बोनिल समूह से कराई जाती है और जल अपघटन करने के पश्चात एल्कोहल का निर्माण होता है। लेकिन एल्कोहल तीन प्रकार के होते हैं, कौन से वाले होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब इसमें एक OH समूह पाया जाता है। ये OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो यदि एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो इसे बोलते हैं 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर दो एल्किल समूह से जुड़ा है तो इसे बोला जाता है 2 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अगर ये 3 एल्किल समूह से जुड़ जाता है उसे बोलते हैं 3 डिग्री मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ में अपन बात करते हैं आगे, इसका मतलब ये एल्कोहल तो बना, आपको हमें ये नहीं मालूम कौन सा एल्कोहल है। अपन ये देखेंगे कौन से कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया गिरन्यार अभिकर्मक से कराएं कि एल्कोहल का निर्माण। बात आगे चलते हैं, कार्बोनिल समूह में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक एथिल। जैसे अगर मैं कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ HH जोड़ देता हूं तो ये कहलाता आपका क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो आरएमजीएक्स की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाती है, यहां पर भी क्या आएगा HH, इधर भी क्या आएंगे H और ये H। अब बताइए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने एल्किल समूह से जुड़ा है, एक से, इसलिए कौन सी एल्कोहल कहलाएगी, 1 डिग्री एल्कोहल के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार बाकी सभी एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूंगा एक एच हटा करके एल्किल समूह जोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर भी एच की जगह क्या जाएगा, एल्किल समूह आएगा, यहाँ पर भी एच की जगह क्या आएगा, एल्किल समूह आएगा। अब बताइए OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने एल्किल समूह से जुड़े हैं,
दो से, तो ये कहलाया 2 डिग्री एल्कोहल। इसी प्रकार बात आगे चलते हैं, यहाँ पर भी गैलकेट शब्द जोड़ेंगे और ये क्रियात्मक समूह आपका कीटोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी एच हटा के एल्किल समूह जोड़ेंगे, यहाँ पर भी एच हटा के एल्किल समूह जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमें देखेंगे OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 एल्किल समूह के साथ जुड़ा है, इसके अंदर 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रकार से आप लोग 1, 2, 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कार्बोनिल यौगिकों से करते हैं। कौन से कार्बन से कौन से एल्कोहल का निर्माण होता है उसकी समझाइए बेहतर है। तो RMGX की अभिक्रिया अगर फॉर्मलडिहाइड से कराकर जल अपघटन कराया जाता है तो हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर किसी RMGX की अभिक्रिया मैं बाकी सभी एल्डिहाइड से कराता हूँ फॉर्मलडिहाइड के अलावा और उसका क्या कराया जल अपघटन, तो 2 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से RMGX की अभिक्रिया कीटोन से कराकर जल अपघटन कराया जाता है तो 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, केवल मात्र आपको ये देखना है कि RMGX की अभिक्रिया कार्बोनिल यौगिक से कराएंगे एल्कोहल बनेगा, फॉर्मलडिहाइड से कराएंगे प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, बाकी सभी एल्डिहाइड से कराएंगे द्वितीयक एल्कोहल बनेगा और कीटोन से कराकर जल अपघटन कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। एक स्टेप में अगर इसकी समरी आप लोग करना चाहते हो ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। सर कैसे कर सकते हैं कि ये मेरे पास है कार्बोनिल समूह, इस कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया आरएमजेक्स से कराई तो ये डबल को सिंगल में थोड़ा यहाँ पे जाएगा आपका एमजीएक्स और यहाँ पे आएगा एल्किल समूह। अब इसका क्या करेंगे जल अपघटन, ये एच और ये OH ये साइड प्रोडक्ट चला गया और ये OH समूह क्या बन गया आपका एल्कोहल, डायरेक्ट अभिक्रिया होगी। अगर मैं दोनों तरफ एच जोड़ता तो ये फॉर्मलडिहाइड था, ये बन जाता प्राथमिक एल्कोहल, एक तरफ R जोड़ता हूँ बाकी सभी एल्डिहाइड ये बन गया द्वितीयक एल्कोहल, दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ता हूँ ये तृतीयक एल्कोहल बन गया, लेकिन ये दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ने पर क्या कहलाया कीटोन कहलाया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कार्बोनिल समूह के द्वारा आरएमजेक्स की अभिक्रिया से एल्कोहल का निर्माण बहुत ही आसानी से अच्छे से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH4 को मैथेन बोलते हैं, एक एच हटाते हैं मैथेन बोलते हैं, इसके साथ में MgCl जोड़ा ये कराया मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की अभिक्रिया। C डबल बॉन्ड वो समूह का नाम होता है कार्बोनिल, एक एच जोड़ा एल्डिहाइड, एक एच यहाँ जोड़ा ये कराया फॉर्मलडिहाइड। इसके अभिक्रिया कराएंगे तो सी और O के बीच में बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, वापस से जोड़ा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डबल की जगह सिंगल O के पास क्या आएगा MgCl, ऊपर कौन सा समूह आ गया आपका मैथेन, इसका आगे क्या करेंगे जल अपघटन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड पॉजिटिव और नेगेटिव, वापस से CH3CHHO O नेगेटिव में कैच आया और उसी के साथ साइड प्रोडक्ट MgCl OH। OH समूह जिस कार्बन से वो एक एल्किल समूह से जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।